तो नववर्ष की पूर्व संध्या पर जयपुर में पुलिस मुस्तैद रहेगी। आपको जानकारी दे दें कि जश्न के दौरान किसी तरह का खलल ना हो, इसको लेकर कानून व्यवस्था पर पुलिस की विशेष नजर रहेगी। उपलब्धता के आधार पर एडिशनल एसपी से लेकर के कांस्टेबल रैंक तक के अधिकारी कर्मचारी जाब्ता उपलब्ध कराया गया, जिनको प्रमुख स्थानों पर जो मोस्टली पर्यटक स्थल हैं और जो समारोह स्थल रहेंगे उन पर डिप्लॉयमेंट रहेगा। कुछ सार्वजनिक जो रोडें हैं बेसिकली उन पर भी ट्रैफिक को भी अलग से होमगार्ड उपलब्ध कराए गए हैं ताकि प्रॉपर सुगम तरीके से यातायात चलाया जा सके शहर का। ये व्यवस्था करने के लिए चारों डीसीपी को निर्देशित किया गया। चले बढ़ते हैं आगे। नववर्ष के बंपर पर्यटन सीजन के अवसर पर जैसलमेर नगर रंग बिरंगी रोशनियों की जगमगाहट से शानदार ढंग से चमक रहा है। सभी बड़े होटल को दिलकश तरीके से सजाया गया है, सवारा गया है होटल के बीच। इस मामले में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का ही ये परिणाम है कि कोई किसी से कम नहीं दिखता। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। दिख रहे स्थानीय होटल और रिजॉर्ट में रोशनियों की झालरों से लेकर झाड़ फानुस से सजाया गया है। विशालकाय मंच बनाए गए हैं। राजस्थानी लोकगीत संगीत और नृत्य की त्रिवेणी रहेगी। वहीं बॉलीवुड के गानों और अन्य पाश्चात्य धुनों पर थिरकने के लिए डांस फ्लोर लगाए गए हैं, जिन पर आज साल की आखिरी शाम को ढलते ही धमाल मचेगा। वहीं राजस्थानी फोक डांस के साथ ग्रैमी अवार्ड विजेता पंडित अमित भट्ट के साथ कई बैंड न्यू ईयर सेलिब्रेशन को रंगीन बनाएंगे। जैसलमेर आने वाले नए साल के लिए दुल्हन की तरह सज चुकी है। लाखों की संख्या में देशी विदेशी पर्यटक जैसलमेर की ओर आ रहे हैं और नए साल का सेलिब्रेशन करने के लिए अपने परिवार के साथ जैसलमेर पहुंच रहे हैं। वहीं जैसलमेर इन दिनों सबसे बड़ा टूरिस्ट पॉइंट बन चुका है। वहीं नए साल के जश्न के लिए जैसलमेर शहर के होटल व रिसोर्ट्स पूर्ण रूप से दुल्हन की तरह सज चुके हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि आज की जो शाम की तैयारियां किस तरीके से की जा रही है, जहां पर अपनी अपनी आने वाले मेहमानों को जो बीता साल है उसको अलविदा कर आने वाले नए साल के स्वागत के लिए यहां शाम की सजने की तैयारियां की जा रही है जोर शोर पर। हमारे साथ होटल से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरह की तैयारियां की और आज का जो आज की शाम सजने वाली है वो किस तरीके से की गई है और क्या क्या खास रहेगा आने वाले मेहमानों के लिए। सर बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम छगन सिंह राठौड़ है। छगन जी, नए साल की सेलिब्रेशन आज शाम करने वाली है, धूम मचने वाली है, क्या तैयारियां की क्या रहेगा विशेष? हमने यहाँ पर 500 आदमी के लिए अरेंजमेंट किया है। हमारा कैंप पूरी सोल्ड आउट है, 62 टेंट्स है हमारे पास, पूरी तरह से सोल्ड आउट है। यहाँ पर राजस्थानी फोक म्यूजिक एंड डांस, बॉलीवुड डांसर्स और लाइव डीजे का प्रबंध किया गया है। हमने एलाबरेट मेन्यू बनाया है, उसमें राजस्थानी कॉन्टिनेंटल डिशेज भी रखी गई है, ये हमने अरेंजमेंट किया है। तो ये थे छगन सिंह, जिन्होंने बताया कि हमने आने वाले पर्यटकों के लिए देशी विदेशी व्यंजनों के साथ ही राजस्थानी फोक सॉन्ग के साथ कई ख्यातिनाम बॉलीवुड कलाकारों को बुलाया है। वहीं आज शाम इस सम के मखमली रेत के टीलों के बीच 2022 को अलविदा कर आने वाले नए साल का स्वागत किया जाएगा व न्यू ईयर की सेलिब्रेशन किया जाएगा। शंकरदान जी मीडिया। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।